को बोलना चाहूंगा, अगर आप सच्चा भारत को प्यार करते हैं, क्या आप जो लोग पाकिस्तान का जिंदाबाद स्लोगन दिया है, क्या वो लोगों को आप पार्टी से बाहर कर पाएगा? वो लोग किया पार्टी से बाहर कांग्रेस से, किसी को वो लोग पार्टी से बाहर नहीं किया, किसलिए? कांग्रेस के लिए आज वही लोग सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन बीजेपी को वो लोगों का वोट का जरूरत नहीं है। जो भी पाकिस्तान जिंदाबाद देते हैं उनका वोट बीजेपी का जरूरत नहीं है, बीजेपी को उनका वोट नहीं चाहिए। किसलिए? हमारे लिए भारत प्रथम है और हमारे लिए भारत सर्वश्रेष्ठ है। भाई और बहनों, ये हरियाणा में धर्म के लिए कुरुक्षेत्र का लड़ाई लड़ा गया था और ये हरियाणा में हम और एक बार हमारे धर्म को प्रतिष्ठा करना पड़ेगा। और जो लोग यहाँ में पाकिस्तान जैसा जिंदाबाद स्लोगन देते हैं, वो लोगों को ऐसे सबक सिखाना है जिंदगी में दोबारा ये लोग पाकिस्तान का नाम भी जबान में नहीं लेके आए, ऐसे उनको हमें सबक सिखाना है। भाई और बहनों, आज हमारे गौरव भाई पलवल में चुनाव लड़ा है। मैं तो नहीं मानता हूँ कि गौरव भाई पलवल में खाली विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ा है, उनका आगे का बहुत ही अच्छा भविष्य उनके लिए इंतजार कर रहा है। कोरोना समय में ट्रेन का सेवा बंद हो गया था, उन्होंने आज ट्रेन का सेवा शुरुआत हो इसके लिए हर वक्त वो काम कर रहा है। मैं अभी बैठा, मुझको पहले बोला कि हिमंत दा, पलवल में जो भी ट्रेन बंद हो गया था, मैं चुनाव जीतने का बाद तुरंत सब लागू करूंगा, आप भी मुझे मदद कीजिए। ऐसा उनका मन में आप लोगों के लिए प्यार है। भाई और बहनों, ऐसे युवा नेताओं को अगर हम पलवल से जिता के भेजता हूं ना, हमारा धर्म की भी रक्षा होगा, हमारा देश का भी रक्षा होगा और साथ साथ में पलवल का विकास भी एक नया दौर तक लेके जाएगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। भाई और बहनों, हमारे कांग्रेस पार्टी आप लोगों को बोलेगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन हरियाणा से हिमाचल कितना दूर है? हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव आए थे, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल गए थे और क्या बोले थे कि सरकार आने से हम माताओं का बैंक अकाउंट में 1500 रुपया देने का काम करूंगा। लेकिन आज आप कोई भी हिमाचल में मोबाइल फोन करके पूछ लीजिए कि किसी का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं क्या? लेकिन आज मेरा सरकार असम में है, मोदी जी का सरकार असम में है, मोदी जी का सरकार मध्य प्रदेश में है, मोदी जी का सरकार छत्तीसगढ़ में है और हमने वादा किया था चुनाव का पहले कि माता का बैंक अकाउंट में रुपया आएगा और तीनों सरकार में हर महीना माता का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में रुपया नहीं आते हैं। मैं राहुल बाबा को बोलना चाहूंगा, अगर हिमाचल में आप झूठ बोल सकता है तो आप देश में और कौन सा स्टेट में जाके सच बोलेगा? हरियाणा का हमारे भाई और बहनों को मालूम था और आप लोगों का याद है लोकसभा चुनाव में वो क्या बोले थे कि हमको वोट दीजिए, हम खटाखट 8,500 रुपया आपका बैंक में डाल दूंगा। किसी को मिला है क्या? किसी को मिला है क्या? और इस बार हरियाणा में आके राहुल बाबा खटाखट का शब्द भी नहीं बोल रहा है। क्यों? 3 महीना में खटाखट भूल गया? मैं राहुल गांधी को बोलना चाहूंगा, यह भारत आ
कोई दिन आएगा खटाखट करके अमेरिका वापस कर देगा, आपको यहाँ रह के राजनीति करके आपका कोई फायदा नहीं है, आप खाली झूठ बोलते हैं, झूठ का सिवा आप कुछ नहीं बोलते हैं। आप हिंदू समाज को आप खंडित करना चाहते हैं, हिंदू समाज को आप बाक के हमारा हिंदुओं को आप दुर्बल करना चाहते हैं और कुछ नहीं कर सकते हो। आप खाली एक ही काम कर सकते हो, आप मीटिंग में जाते हो और हिंदू समाज को बांटने का काम करते हो। आपका हिम्मत है मुसलमान समाज में जाके मुसलमान को बांटने का? वो हिम्मत तो आपका नहीं है। आपका एक আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।